सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुखेंद्र, आप देख रहे हैं स्टेक। सो गाइज, देखिए इस तरह का जो सीरियल लैम्प होती है, ठीक है, कैसे तैयार करते हैं आप घर बैठे, इस तरह का सीरियल लैम्प कैसे तैयार करते हैं, तैयार करोगे वही मैं आप लोग को इस वीडियो में सिखाऊंगा। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसको बनाने के लिए आपको कौन कौन चीज़ों की ज़रूरत होगा वो भी मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। और इसको आपको कैसे बनाना है, इसका कनेक्शन कैसे करना है, ये भी आपको मैं आप लोग को इस वीडियो में सिखाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरह का सीरियल लैम्प आपको मार्केट पर मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों दोस्तों देखिए, वो जो सीरियल लैम्प आपको मिलेगा वो ज़्यादा दिन तक आप यूज नहीं कर पाओगे, और आप जब घर पर बनाओगे तो आप ज़्यादा दिन तक यूज कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले, वीडियो को एंड तक देखते रहना। और अगर हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन चला कर तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए दोस्तों, इस तरह का सीरियल लैम्प बनाने के लिए आपको सबसे पहले जरूरत होगा, देखिए दोस्तों, इसी तरह का LED देख सकते हो, इसी तरह का 50 LED आपको चाहिए, ठीक है। देखिए मैंने 50 LED ले लिया है। और देखिए दोस्तों, इसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो LED है, ठीक है, इसका 2 लीड होती है हमेशा, देख सकते हो, इसका 2 लीड होती है। देखिए दोस्तों, ये जो बड़ा वाला जो लीड है, ठीक है, ये इसका पॉजिटिव लीड, और ये जो छोटा वाला जो लीड है, ये है नेगेटिव लीड। तो आपको किस तरह का करना है, इसको सारा का सारा लैम्प का आपको सीरीज पर कनेक्शन करना है, ठीक है गाइस। देखिए दोस्तों, इस तरह का आपको सीरीज पर कनेक्शन कर लेना है। तो आपको क्या करना है, एक नेगेटिव के साथ एक पॉजिटिव एडजस्ट कर लेना है, इसी तरह का आपको कनेक्शन करना है। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर वायर तो लगाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे पास वायर है नहीं अभी। मैं आप लोगों को इसी पर सीरीज करके दिखाऊंगा, और आप लोगों ने इस तरह का वायर यूज करके कर लीजिए, ठीक है गाइस। देखिए इसी तरह का वायर यूज करके कर लीजिए। देखिए मैं कनेक्शन दिखा देता हूँ, दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए देखिए इसी तरह का देख सकते हो, इसी तरह का होगा। देखिए तो इस तरह का कनेक्शन मैं यहाँ पर करके दिखाऊंगा, आप लोगों ने इस तरह का वायर यूज करके भी कर सकते हो, इस तरह का वायर यूज करके कर लीजिए। चलिए मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊंगा। देखिए गाइज, मेरा 50 जो लैम्प है, ठीक है, 50 जो LED है, देख सकते हो, मैंने इसको सीरीज पर कनेक्शन कर लिया। देखिए दोस्तों, एक दूसरे के साथ देखिए सीरीज पर कनेक्शन कर लिया, देख सकते हो, इसी टाइप का। और चलिए इसके बाद क्या करना है, देखिए दोस्तों, इसके बाद दो वायर आपको ले लेना है। देखिए दोस्तों, मेरे पास दो कलर तो है नहीं, तो इसीलिए मैं एक कलर ही वायर ले लिया, देख सकते हो। तो चलिए इसको क्या करना है, देखिए यहाँ पर जो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, पॉजिटिव के साथ एक
देखिए गाइस, एक पॉजिटिव के साथ और एक नेगेटिव के साथ देखिए, इसी तरह टाइप का आपको दो यार ले लेना है और इसको इस तरह का कनेक्शन कर लेना है। देखिए दोस्तों, ये मेरा पॉजिटिव है और ये मेरा नेगेटिव है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या करना है देखिए दोस्तों। देखिए गाइस, इसके बाद आपको इस तरह का एक सर्किट तैयार कर लेना है। देखिए दोस्तों, इसका सर्किट डायग्राम मैं आप लोगों को दे दूंगा। देखिए इसका सर्किट डायग्राम का इमेज मैं यहाँ पर दे दूंगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या क्या है मैं बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये मेरा PF देख सकते हो, और ये है मेरा रेजिस्टेंस 1 mm रेजिस्टेंस क्वार्टर वाट। और देखिए दोस्तों, ये जो दोनों रेजिस्टेंस है, ये 330 ओम रेजिस्टेंस। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर चारों डायोड 4007 चारों डायोड, ठीक है। इस तरह का आपको एक सर्किट तैयार कर लेना है। इसका आपको कैसे करना है, इसका डायग्राम मैं यहाँ पर एक फ़ोटो दे दूँगा। देखिए वहाँ पर इस तरह का आपको इसका एक इस तरह का एक सर्किट तैयार कर लेना है। इस तरह का सर्किट तैयार करने के बाद आपको क्या करना है देखिए दोस्तों, इसका पॉजिटिव जो यार है, ठीक है, इसका आपको क्या करना है, इसके पॉजिटिव के साथ और देखिए दोस्तों, इसका जो नेगेटिव यार है, इसका आपको इसका नेगेटिव के साथ जोड़ लेना है। देखिए दोस्तों, ये है मेरा दो AC वायर, इसका आपको क्या करना है देखिए दोस्तों, एक इसके साथ और एक इसके साथ जोड़ लेना है। देखिए मैंने किस तरह का कनेक्शन किया, देख लीजिए अच्छा से। देखिए दोस्तों, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ नेगेटिव, और यहाँ पर 220 वोल्ट। सो देखिए दोस्तों, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पर कुछ नॉलेज है तो इस तरह का आप ट्राई कर सकते हो, नई नॉलेज है तो आप इसको मत देखिए दोस्तों, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पर नॉलेज है नहीं तो इस तरह का ट्राई मत कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए रिस्की भी हो सकता है, ठीक है गाइस। तो देखिए दोस्तों, इस तरह का देखिए दोस्तों, यहाँ से जो वोल्टेज निकल रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपको शॉक भी लग सकता है, तो आपको ध्यान देके इस तरह का काम करना है, ठीक है गाइस। देखिए दोस्तों, इसको कनेक्शन देने के बाद आपको कहीं भी हाथ नहीं लगाना है, ठीक है गाइस, यहाँ पर रिस्की भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करूँगा वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके साथ शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल पर नया विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और मेरे इस चैनल पर हमेशा जुड़े रहिए।